जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से मैं करूँगा। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिलेगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ ब्लूटूथ को आप ऑन करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो नेम आप चाहते हैं वो नेम यहाँ पे सर्च होके नहीं आता है, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे सही करना है, यानी कि जो भी नेम आप सर्च कर रहे हैं वो सर्च होके यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा। तो वीडियो को आपको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश भी करते हैं फिर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले बैक चले आइए, यहाँ पर आप सेटिंग में जाइए इस तरीके से, फिर यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगी ऐप्स, ऐप में जाना है, मैनेज ऐप में जाना है, ठीक है। आपका फ़ोन अदर कंपनी का है तो आपको वहाँ पर देखना है कि उसके अंदर ऐप मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर्च बार, यहाँ पे आपको लिखना है BL, ठीक है। इस तरीके से ब्लूटूथ के दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको उनका क्लियर डाटा करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलेगा ये, यह देखो यहाँ से भी आपको यहाँ से क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आपको बैक चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन होगा एरोप्लेन मोड, इसे आपको एक बार प्रेस करना है, फिर से आपको इस पर प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे अब इसे फिर से प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो सर नेक्स्ट सेटिंग है, आप अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन है उसे आप दबाएंगे और फ़ोन को यहाँ से एक बार रीबूट करेंगे, ठीक है। रीबूट करने से आपका डाटा वाटा कुछ भी डिले नहीं होता है, ठीक है। अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं या किसी अदर कंपनी का करते हैं तो यहाँ पर एक सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर आपको डालना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि रेडमी के स्मार्टफोन में ये सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अन्य कंपनी के स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने ब्लूटूथ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और इस पर आप यहाँ ऑन करेंगे। तो अभी आप मैं दिखाता हूँ, जैसे आप ऑन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसी पे क्लिक करना है, जैसे ये नेम है इस पे आप क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है नेम, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर भी यहाँ पे नेम शो हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।